देव सजेशन स्टोर। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टेबल विद मार्कर। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने एक वेब लिखा है जो मैंने एक टेबल में क्रिएट किया है, प्लस उसमें मैंने एनिमेट किया है टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये मैं ले चलते इसकी कोडिंग पे। तो ये मेरी कोडिंग है जो मैंने कोडिंग टाइप किया है। तो देखिए यहाँ पे ये जस्ट सिंपल है, HTML हेड टाइटल, और यहाँ पे टेक्स्ट दे दो आप, मार्कर दे दो, जो आप टाइटल देना चाहते हो आप दे सकते हो, देन क्लोज। फिर हमने बॉडी बेजी कलर पिंक दिया है, यानी बैकग्राउंड कलर हमने पिंक दिया है। तो यहाँ पे बॉडी बेजी कलर मैं पिंक दे रही हूँ। उसके बाद टेबल बॉर्डर हमने 6 दिया है, बॉर्डर का कलर हमने रेड लिया है। अब यहाँ से एक और कलर ले लेते हैं, बॉर्डर कलर डार्क ग्रीन दे दिया है। हाइट इसकी 100 दी, विड्थ 700, अलाइनमेंट सेंटर दिया है। फिर हमने टेबल ड्रॉन किया। अब इसमें हमने टेबल हेडिंग यूज़ किया है, इसमें बेजी कलर ग्रीन दिया है, इसका फॉन्ट साइज 8 दिया है, फॉन्ट कलर रेड दिया है। ये तो हो गया टेबल हेडिंग के बाद। उसके बाद हम इसी टेबल में हम मार्कर यूज़ कर रहे थे। देखिए मार्कर का यूज़ किया है, मार्कर बिहेवियर अल्टरनेट दिया है हमने, डायरेक्शन राइट में दिया है, और विड्थ जो है वो 50 दिया है। विड्थ इट मीन्स कि हमें कितने स्पेस पे उसको मूवमेंट कराना है। तो आप ये बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने 100 ले लिया, मैं एक पे करके दिखा रही हूँ। फिर मैंने टेक्स्ट दिया है W, देन टेबल हेडिंग क्लोज, मार्कर क्लोज, सेम यही कोडिंग सेम रिपीट होगा। आप चाहें तो इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कलर साइज चेंज कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो ई के लिए सेम कोडिंग करेंगे, यानी ई टेक्स्ट के लिए। फिर ऐसे हमने बी टेक्स्ट के लिए यूज़ किया, यानी वैम। तो आप चाहे जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, उतने टेबल हेडिंग यूज़ करें। फर्स्ट रो में यूज़ किया, दो रो लेना चाहते हैं तो दो पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये हमारी फाइल है, इसे हमने F5 किया। तो देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक आ चुका है, और जो ये मोमेंट का विड्थ है, ये देखो मैंने 100 दे दिया, तो थोड़ा सा ये स्पेस बढ़ गया है, यानी इस बॉक्स का साइज़ आप देख लोगे इक्वल हो, बड़ा हो गया है। और आपको इक्वल बॉक्सेस रखने, तो सब में इक्वल साइज़ दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, 100 किया, मैं इसको अगेन मैं 50 कर देती हूँ क्योंकि मैंने सब में 50 दिया है। इसको कंट्रोल एस करेंगे और हम अपनी फाइल पे जाएंगे, वेब पेज पे, और F5 करेंगे। तो देखिए सारे जो बॉक्सेस हैं वो हमारे सेम साइज़ में आ चुके हैं। तो ये थी कि हम मार्कर के साथ टेबल कैसे यूज़ करें। तो ये कोडिंग है, हम पहले हेडिंग यूज़ करेंगे, फिर साथ में मार्कर लगाएंगे, फिर हम अपने टेक्स्ट कंटेंट को देंगे यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है। उसके बाद हम हैंडिंग क्लोज करेंगे, मार्कर क्लोज करेंगे, सेम ऐसे हम फिर नेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जिस भी डाटा में देना है आपको। फिर सेकंड ऐसे, फिर मैंने थर्ड यूज़ किया है, तो हमने थर्ड यूज़ किया। लास्ट में हमने टेबल रो क्लोज कर दिया, फिर हम यहाँ पे टेबल क्लोज कर देंगे, और देन हमने HTML क्लोज कर दिया। तो आई होप समझ में आया होगा, ये कोडिंग सिंपल है कि आप अगर टेबल के साथ कुछ टेक्स्ट एनिमेट करना चाहते तो कर सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग लिया, आप सिंगल एक में भी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पेज में हेडिंग जो है मोशन में आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आओगे, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग टेक्स्ट पर अप्लाई कीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।